थोड़े दिनों पहले मेरे नेबर्स के छोटे बच्चे मेरे पास आए और उनमें डिस्कशन चल रही थी कि एक डॉलर बड़ा है या फिर 70 रुपए। उनमें से एक कह रहा था कि डॉलर बड़ा है, लेकिन दूसरा कह रहा था कि 70 रुपए बड़े लग रहे हैं। तो उन्होंने मुझे देखा और मुझसे पूछ लिया कि भैया आप बताओ डॉलर बड़ा है या 70 रुपीज। तो मैंने कहा कि डॉलर की आजकल वैल्यू इंडियन करेंसी में अप्रोक्सीमेटली 70 रुपीज है, इसलिए दोनों में कोई बड़ा नहीं है, दोनों इक्वल है। तो इस पर वो दोनों कंफ्यूज हो गए। मैंने उन्हें काफी तरीके से काफी एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन लास्ट में वो एक एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई हुए और वो थी परचेजिंग पावर। यानी अगर मैं मार्केट में एक डॉलर लेके जाऊं या फिर 70 रुपीज लेके जाऊं, तो मैं सेम क्वांटिटी का ही सामान खरीद सकता हूं। किसी यूनिट के आगे मैं जितना मर्जी बड़ा नंबर लिख दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में अगर रुपीज के आगे मैंने 70 लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक डॉलर से बड़ा है। वो दोनों तो चले गए, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि यार हम लोगों को भी तो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट से बेवकूफ बनाया जाता है। हम 1 लाख रुपए बैंक में जमा करवाते हैं 8% के इंटरेस्ट के लिए, और अगले साल हम खुश हो जाते हैं कि अब हमारे पास 1,08,000 रुपए होंगे और हमने बहुत स्मार्ट मूव खेली। लेकिन ये नहीं पता कि उस साल इन्फ्लेशन भी 10% की हुई और फाइनली हमने कुछ भी गेन नहीं किया, बल्कि हमारी परचेजिंग पावर कम ही हुई और ऊपर से 8% इंटरेस्ट हमारी इनकम काउंट होगी और उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हमें अमीर बनना है या एटलीस्ट खुद का और फैमिली मेंबर्स का फ्यूचर सिक्योर रखना है, तो हमारा गोल क्या होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला गोल आता है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। जैसे ही हमें सैलरी मिलती है या फिर किसी भी सोर्स से इनकम आती है, तो हमें उसमें से मिनिमम 20% पहले ही निकाल लेना चाहिए। आपने ठीक सुना, पहले निकालना है, ना कि और लोगों के कर्जे देके। ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे हम चेंज नहीं कर सकते। हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजरी बुक पढ़ लें, रिच डैड पुअर डैड, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एक्सेट्रा, कोई भी, ये सबसे पहला स्टेप है। अगर आप स्टार्टिंग में सैलरी मिलते ही पैसे नहीं निकाल सकते, तो आपके लिए बाकी स्टेप्स यूजलेस हैं। अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए और कोई कॉमेडी वीडियो देख लो। हम में से कई लोगों को लगता है यार उतनी सैलरी नहीं है, उधार ही बहुत है। पता है क्या, नोबडी गिव्स अ डैम। रॉबर्ट कियोसाकी और उनकी पत्नी किम कियोसाकी कहते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत उधार हो गया था, लेकिन हमें रिच डैड के लेसन्स पता थे कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसलिए चाहे मकान मालिक हमसे पैसे मांगे या ग्रोसरी वाला, हम सबसे पहले खुद को पे करते थे। इवन कि उनकी फाइनेंशियल एडवाइजर भी यही बोलती थी कि यार पहले उधार दे दो, बाद में सेव करना। लेकिन उन्होंने उनका कहना भी नहीं माना, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्हें रैट रेस से निकलना है, तो ये सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। हमारा नेक्स्ट गोल आता है सेव। अब सवाल आता है कि हम में से जिन लोगों ने बाकी लोगों के टॉन्ट सहन कर लिए हैं और इमोशनल डिसिप्लिन दिखा दिया है, सबसे पहले खुद को पे करके, वो इन पैसों का क्या करें। तो ये स्टेप कहता है सेव इन FD, RD या कोई भी स्कीम जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और गवर्नमेंट बैंक या पोस्ट ऑफिस में ही सेव करना, कहीं महाराष्ट्र वाला PMC बैंक वाला केस हमारे साथ ना हो जाए। ये पैसे सिर्फ तभी निकलेंगे जब बहुत इमरजेंसी हो। अब अगर हम ये फर्स्ट टू स्टेप्स कर लेते हैं, तो हम कोई बिलियनर तो नहीं बनेंगे, लेकिन ये है कि कोई इमरजेंसी या नीडफुल सिचुएशन में किसी के सामने हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ये दो स्टेप तो पहले करना स्टार्ट कर दो प्लीज। हम में से जो लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं और जो थोड़े बड़े सपने देखते हैं, उनके लिए नेक्स्ट स्टेप आता है, और हमारा नेक्स्ट स्टेप कहता है इन्वेस्ट। अब जो अमाउंट हमने सेव किया है, उसमें से कुछ पैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुरू में हमारा लर्निंग स्टेज है, तो हमें कम अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए। ये अमाउंट 500 रुपीज पर मंथ भी हो सकता है। शुरू में हमारा गोल इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी को सीखना है, ना कि एक महीने में वॉरेन बफेट बनना। तो अब सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट के टाइम पर हम कितना रिटर्न टारगेट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हमें वॉरेन बफेट जितना अमीर बनना पड़ता, तो हमें कितने रिटर्न की जरूरत थी। अगर हम बर्कशायर हैथवे की बात करें, जो कि एक कंपनी है जिसके को ओनर वॉरेन बफेट है, तो बर्कशायर हैथवे ने 1964 से लेकर 2015 तक 20.8% का कंपाउंडेड एनुअल गेन अचीव किया, जबकि अमेरिकन मार्केट ने इन सालों में एवरेज रिटर्न 9.7% अचीव किया। अब कई लोगों को लगेगा बस ये तो उतना भी ज्यादा नहीं है, लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत की वजह से ये बहुत ज्यादा गेन है। अगर हम इन सालों का ओवरऑल गेन देखें, तो 20.8% के हिसाब से ये गेन 15,98,284 बन जाता है। यानी अगर हमारे पेरेंट्स ने 1964 में वॉरेन बफेट को 1 लाख रुपए दे दिए होते इन्वेस्ट करने के लिए, तो 2015 में हमारे पास 160 करोड़ रुपए होते। एंड रिमेम्बर, ये पैसिव इनकम थी, इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा। अगर हम इस चार्ट को देखेंगे, जो कि बर्कशायर हैथवे का चार्ट है, तो कई सालों में वॉरेन बफेट की कंपनी को भी लॉस हुआ। फॉर एग्जांपल, 1974 में इन्हें लॉस हुआ,
1990 में इन्हें लॉस हुआ, 2008 में इन्हें लॉस हुआ। ब्रैकेट में जो नंबर दिए गए हैं वो लॉस दिखा रहे हैं, लेकिन वॉरेन बफेट बोलते हैं कि हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी मैं किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदता हूँ, इसका मतलब है कि मैं कंपनी के टुकड़े को खरीद रहा हूँ, और बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। लेकिन अगर मुझे पता है कि जिस बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किया है वो एक अच्छा बिजनेस है, उसके फाउंडर्स मोटिवेटेड हैं, तो ओवरऑल हमेशा प्रॉफिट ही होगा। तो इन शॉर्ट, अगर हमें वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं, इनके जितना अमीर बनना है तो हमें 20% एनुअल रिटर्न चाहिए। अगर हम इनके गुरु बेंजामिन ग्राहम की बात करें, जिन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक लिखी थी, तो इनकी कंपनी जिसका नाम ग्राहम न्यूमैन कॉर्प था, इस कंपनी ने 20 सालों में 14.7% का इंटरेस्ट अचीव किया था। तो इन शॉर्ट, अगर हम 12% तक का इंटरेस्ट भी अचीव कर लें अपनी इन्वेस्टमेंट से और उसे री इन्वेस्ट करते रहें और कुछ सालों तक उसे कंपाउंड होने दें, तो हमारी मनी बहुत जल्दी ग्रो हो सकती है। अब हम में से कई लोगों के मन में ये सवाल आता है, नहीं यार कौन इतना रिस्क लें, बैंक में हमारे पैसे सेफ हैं, और महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक के डिफॉल्ट के बाद ये कहना तो बहुत डिफिकल्ट कि हमारे पैसे सेफ हैं। और वैसे भी DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग, अगर हमारा बैंक फेल या लिक्विडेटेड हो जाता है तो हमारे पास सिर्फ 1,00,000 रुपए ही इंश्योर्ड है। फिर चाहे हमारे बैंक में 20 करोड़ ही क्यों ना सेफ हो। और हमें ये क्लियर होना चाहिए कि बैंक हमारे सेव्ड पैसों को इन्वेस्ट ही करता है, उन पैसों को वो कंपनीज को लोन की फॉर्म में देता है, और अगर वो सारी कंपनीज फेल हो जाती हैं तो हमें हमारा पैसा भी नहीं मिलेगा। और यही पीएमसी बैंक के साथ हुआ था, जिसने बहुत सारा लोन हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HDIL और उनकी एसोसिएट कंपनीज को दे दिया था, जो कि लोन नहीं चुका पाई, और ये लोन एक बैड लोन बन गया और बैंक फेल हो गया। ऑब्वियसली ये रेयर केसेस हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि हमें इतनी नॉलेज कहाँ है जितने की फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को है, या फिर कितनी सारी कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा इतना रिटर्न अचीव करने के लिए। तो वॉरेन बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग की फील्ड में इंटेलिजेंस बहुत कम, लेकिन इमोशनल डिसिप्लिन ज्यादा चाहिए। वॉरेन कहते हैं कि मैं सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ जिनकी मुझे समझ है, बाकियों में नहीं। एक बार बिल गेट्स ने वॉरेन से कहा कि आप कंप्यूटर को यूज नहीं करते। इस पर वॉरेन ने कहा, क्यों, मैं कंप्यूटर का क्या करूंगा। इस पर बिल गेट्स ने कहा, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। तो वॉरेन ने कहा कि मैं बर्कशायर हैथवे के सारे पैसों को री इन्वेस्ट कर देता हूँ, इसलिए हमारी इनकम ही 0% है, इसलिए कोई टैक्स है ही नहीं। वॉरेन बोलते हैं कि मैं एक सिंपल इंसान हूँ और मैंने बहुत ही कम टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। आपके पास हजारों कंपनीज हैं, आपको सब में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और हर कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको पता नहीं होना चाहिए। बस इन हजारों कंपनीज में से अगर हम 5 ऐसी कंपनीज ढूंढ लेते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकती हैं और उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो समझो हम एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन गए। तो फाइनली अब सवाल आता है कि हम स्टॉक मार्केट में एंटर कैसे करें। इसमें तो बहुत पेपर वर्क रिक्वायर्ड होगा, या कोई ऐसा तरीका है जिसमें कम पेपर वर्क हो और कहीं जाना ना पड़े। तो जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें सिर्फ पैन कार्ड ही रिक्वायर्ड है, और हम स्टॉक मार्केट की दुनिया में अगले 15 मिनट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अपस्टॉक्स। तो अब सवाल आता है कि अपस्टॉक्स क्या है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, इसमें हमारा फ्री डीमैट अकाउंट बन जाएगा जिसमें हमारे करीबन 600 रुपए बच जाएंगे। इसमें 28,000 रुपए के और ज्यादा बेनिफिट्स हैं जिनके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थर्ड, इसमें फ्लिपकार्ट का 300 रुपीज का वाउचर मिलेगा अगर हम अपस्टॉक में डीमैट का अकाउंट बना लेते हैं, जिसके लिए हमें प्रोमो कोड यूज करना पड़ेगा अपस्टॉक्स 300। फोर्थ, ये ऐप के प्ले स्टोर में 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं, जिसका मतलब है कि लोग इससे काफी खुश हैं। और फाइनली, इसमें हम म्यूचुअल फंड्स भी खरीद सकते हैं। तो अपस्टॉक्स का लिंक और इसकी पूरी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिससे आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि यार कहीं ये अपस्टॉक्स वाले फ्रॉड तो नहीं है, हम इन्हें अपने पैसे क्यों दें। तो जब भी हम कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो वो हम डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, इसके लिए हमें एक मिडलमैन चाहिए जिसे हम ब्रोकर बोलते हैं। और अपस्टॉक्स वाले एक तरह के सिर्फ ऑनलाइन ब्रोकर हैं, जो कि सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रेगुलेटेड है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कि 1, हमें सबसे पहले खुद को पे करना चाहिए, यानी हमें हर महीने 20% खुद को दे देने चाहिए, और इस सीक्वेंस को उल्टा नहीं किया जा सकता कि पहले खर्चे कर लें और बाद में हम सेव करेंगे। ये करने का सबसे आसान तरीका है फोर्स्ड सेविंग, यानी पैसे ऑटोमेटिकली हमारे सेविंग अकाउंट से ही डिडक्ट हो जाने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा था सेव। अगर हमें कुछ ज्यादा ही डर लगता है तो हमें कम से कम RD या FD या दूसरी गवर्नमेंट स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर देने चाहिए। ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट एक सिंपल लाइफ जीने के लिए। नेक्स्ट, हमने देखा था कि हम एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं जिसमें हमने अपनी सेविंग का कुछ पोर्शन इन्वेस्ट करना है। स्टार्टिंग में हमारा गोल है कि इन्वेस्टिंग की दुनिया को हम समझें,
ना कि एक महीने में वॉरेन बफेट बन जाएं। इसलिए शुरू में हमें बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करके स्टार्ट करना है। इस प्रोसेस में हमसे थोड़ी गलतियां होंगी और शायद हम पैसे भी लूज कर दें, बट इसे आप ट्यूशन फीस समझकर इन्वेस्टमेंट सीख सकते हैं। फाइनली हमने देखा था कि वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग हमें हर कंपनी के बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी होना जरूरी नहीं है। हजारों कंपनीज में से हमें सिर्फ 5 ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जो हमें लगता है कि फ्यूचर में अच्छा बिजनेस करेंगी। तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा आप भी ग्रो करेंगे, और ये सबसे अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स है। और जो भी आपको रिटर्न आता रहता है हमें वो रीइन्वेस्ट करने हैं, वरना कंपाउंडिंग का मैजिक काम नहीं करेगा। हमने इस वीडियो में ये भी देखा था कि 10-14% का एनुअल रिटर्न जो हर साल कंपाउंड होता है एक बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। दोस्तों, अगर हम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक की समरी सुनना चाहते हैं या और बिजनेस या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड समरीज फ्री में हिंदी में सुनना चाहते हैं तो हमने आपके लिए गीगल ऐप बनाई है जिसे आप यूज कर सकते हैं ट्रैवलिंग के टाइम या अपने किसी भी फ्री टाइम में। तो अगर आप हिंदी में फ्री में बुक समरी सुनना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।